आ रहा है। देश में कोरोना के मरीज 78,000 के पार हो गए हैं। अब तक देश में कोरोना के 78,003 केसेस कंफर्म हुए हैं, तो 49,219 लोगों का इलाज जारी है। 2,549 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे के आंकड़े पर एक नजर डालिए, कोरोना के 3,722 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, तो 134 लोगों की जान गई है। कोरोना से 26,000 से ज्यादा मरीज ठीक होने के बाद अपने घर भी लौटे हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहां 25,922 केसेस हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को 54 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा दर्ज किए गए रिपोर्ट है। इन 54 लोगों में से 40 लोगों ने अकेले मुंबई में दम तोड़ा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 24 घंटे का यह कोरोना मीटर डराने वाला है। लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब हमें इस बीमारी से लड़ते हुए जीना होगा और आगे बढ़ना होगा। केसेस लगातार रजिस्टर हो रहे हैं और आप इसे कम कैसे कर सकते हैं? केवल एक जरिया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप अपने हाथों को बार बार धोएं और अपने हाथों को। इंडिया टीवी आपके पास रहेगा। इंडिया टीवी जब चाहे जहां चाहे। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आज सुबह की 100 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में।